हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, इससे पहले ये जो 18-15-7 वाली सीरीज चल रही है, इससे पहले मैंने 20 क्वेश्चन आप लोगों के लिए करा रखे हैं, वो आप जाकर देख सकते हो। मैं आपको यहां से दिखा देता हूं कुछ क्वेश्चन, यहां से आप देख सकते हो। उसकी लिंक जो है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर उन वीडियोज़ को आप जरूर चेकआउट कर लें। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 1857 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है जैसे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम हो, जेपीएससी का एग्जाम हो, जेएसएससी का एग्जाम हो, तो चंपारण सत्याग्रह जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको चंपारण सत्याग्रह के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो नीचे चंपारण आप जरूर लिख देंगे। बाय द वे, इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हो वो नीचे कमेंट करके जरूर लिखें, ताकि मुझे भी पता चल सके मेरी वीडियो को लोग कहां कहां से देखते हैं और कनेक्टिविटी बढ़ेगी हमारे और आपके बीच में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 नामक पुस्तक किसने लिखा? तो देखिए, इसका सीधा सीधा अगर मैं आंसर बता दूं तो वो हो जाएगा आरसी मजूमदार। अब इनके बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं और ये किताब से जो रिलेटेड है वो भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है, द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 में आरसी मजूमदार ने ही कहा था कि 1857 की जो क्रांति हुई है ये ना तो राष्ट्रीय थी, ना ही ये क्या थी, ना ही ये स्वतंत्रता संग्राम था और ना ही यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ऐसी बातें किसने कही थी? आरसी मजूमदार ने। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज पेन पेपर पे लिख लीजिएगा इसे। 1857 की क्रांति को ना ही ये प्रथम माना इन्होंने, ना ही इसको राष्ट्रीय माना और ना ही स्वतंत्रता संग्राम माना। किसने? आरसी मजूमदार ने। तो 1857 की क्रांति को भारत का राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो याद रखिएगा, वीडी सावरकर ने कहा था। याद रखिएगा, ये सारी बातें जो है एग्जाम में भर भर के पूछे गए हैं। बीपीएससी के क्वेश्चंस को आप अगर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, जेपीएससी के क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो फिलहाल इसका आंसर तो ऑप्शन बी हो गया, लेकिन कुछ और चीजों को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, भारत के इतिहास को लिखने के लिए सरकार ने जो है कुछ लोगों को रिक्रूट किया था। याद रखिएगा, कुछ लोगों को रिक्रूट कर जो है किया गया था, लेकिन मजूमदार साहब को भी रिक्रूट किया गया था और इन्होंने जो है साफ मना कर दिया। इन्होंने जो है त्यागपत्र दे दिया, बोला कि मैं जो है दबाव में आकर किसी तरह के चीज़ों को नहीं लिखूंगा। अंग्रेज के ही वर्चस्व में ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो आरसी मजूमदार ने इस्तीफा दे दिया था। तो इस काम को आगे किसने बढ़ाया था? एसएन सेन ने जो है इस काम को आगे बढ़ाया था, याद रखिएगा। और सेन के द्वारा, एसएन सेन के द्वारा जो है 1857 की क्रांति का जो है इतिहास भी आपको देखने को मिलेगा। और इनकी एक बुक है 1857 की क्रांति, यानी कि 1857 रिवॉल्ट के नाम से इन्होंने जो है बुक भी लिखी है। ये जो है इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 1857 रिवॉल्ट का बुक किसने लिखा? एसएन सेन ने लिखा। अब कुछ और चीजों को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जो वीडी सावरकर है उन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन भी कहा था। सारी बातें क्लियर हो गई पहले क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तथा कथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ना ही प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम है। मैंने अभी आपको बता दिया, आपको आइडिया लग चुका होगा। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आरसी मजूमदार ने जो है ये बातें कही थी। किसमें कही थी? अपने बुक में, जिस बुक का नाम क्या है आपको पता ही है, मैंने अभी तुरंत आपको पढ़ाया, फिर से आपको दिखा देता हूं। इस बुक का नाम था द सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। क्लियर हो गई बातें। अब देखिए कुछ और चीजों को आप देख लो। एक और नाम है यहाँ पे, एसएन गुप्ता का नाम है। एसएन गुप्ता के बारे में जान लीजिए, इन्होंने जो बुक लिखी है उनका, उस बुक का नाम क्या है? रिसेंट राइटिंग ऑफ आप जो है पेन पेपर पे इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, रिसेंट राइटिंग ऑफ रिवॉल्ट 1857। ये भी जो है आपको क्या कर लेना, याद कर लेना है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, बुक से क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछा जाएगा। अब कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। कार्ल मार्क्स ने जो है 1857 को राष्ट्रीय आंदोलन कहा था। क्या कहा था? राष्ट्रीय आंदोलन कहा था। तो यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, और फिलहाल इसका जो आंसर है फिर से मैं आपको जो है दोहरा देता हूं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आरसी मजूमदार, ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको आगे बढ़ना था। हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 1857 की क्रांति में राजकुमार सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही को इन्होंने जो है किस क्षेत्र का नेतृत्व किया? इन लोगों ने जो है किस क्षेत्र को जो है नेतृत्व किया था? तो देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा संबलपुर। ठीक है, संबलपुर का नेतृत्व राजकुमार सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही ने करा था। देखिए, कोटा के बारे में शायद आपको पता होना चाहिए कि मैंने जो पहला पाठ पढ़ाया था उसमें इसके बारे में बताया था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? जयदयाल ने, और इनका एक और भाई का नाम है वो भी मैं आपको लिखकर बता देता हूं, हरदयाल ने। और इन दोनों को अंग्रेज सैनिकों ने क्या किया था? तोप के ऊपर बांध करके इन दोनों को उड़ा दिया गया था, कोटा से, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
अगले क्वेश्चन की ओर, उससे पहले बता दूं सतारा एक छूट गया है, इसे भी हम लोग कवर कर लेते हैं। रंगोजी बापू ने जो है इसको क्या किया था, नेतृत्व करता थे अंग्रेजों के खिलाफ, लोहा लेने का काम किसने किया था, रंगोजी है बापू, उन्होंने जो है इसका काम किया था। आगे बढ़ते हैं, फैजाबाद में 1857 की क्रांति के नेता अहमदुल्ला खां कहाँ के निवासी थे, ये जो है कहाँ के निवासी थे, तो देखिए ओरकुट के निवासी थे। पहले वाले सेशन को जिन्होंने नहीं देखा है देख लीजिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन जिनको पढ़ाया गया है वो आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे। अहमदुल्ला खां देखिए कहाँ के निवासी थे, ओरकुट के, ये तमिलनाडु के थे, याद रखिएगा इस बात को, ये तमिलनाडु के थे। लेकिन इनके पूर्वज कहाँ आ गए थे, इनके जो फोर फादर हैं वो कहाँ आ गए थे, ये उत्तर भारत में आकर बस गए थे, ठीक है, उत्तर भारत में आकर ये बस चुके थे। और देखिए इनको जो है अंग्रेजों ने इनको पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का फाइन जो है लगाया गया था, एक्चुअली फाइन नहीं कहोगे आप इसे, इनाम रखा गया था इनके ऊपर कि 50,000 रुपये जो है उस समय के 50,000, 1857 के 50,000 को अगर आप आज के समय में देखोगे तो ये करोड़ों अरबों रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो 50,000 के लोभ में आकर देखो एक्चुअली क्या होता है, 50,000 का लालच बहुत बड़ा होता है। तो देखिए ये फैजाबाद का नेतृत्व कर रहे थे, तो जनार्दन भानु, इनका नाम कुछ और जगह जो है कुछ और भी है, जैसे कि राजा जगन्नाथ भी कहीं इनका नाम दिखेगा। तो जनार्दन भानु ने क्या किया, इनको जो है धोखे से बुलाया अपने पास कि मैं भी जो है आपको सपोर्ट करना चाहता हूं, मैं सेना में हूं तो मैं आपको जो है कुछ पैसे की मदद करूंगा और कुछ जो हथियार वगैरह है वो भी मैं आपको दूंगा, तो आप मिलो मुझसे। और ये मिलने के लिए गए तो इनको धोखे से जो है गोली मार दी, किसने, जनार्दन भानु ने। और जनार्दन भान देखो एक्चुअली ये 50,000 का लालच है, देखो अब 50,000 के चक्कर में क्या होता है, अंग्रेज तो ठहरे अंग्रेज, उन्होंने 50,000 देने से बचना चाह रहे थे वो, तो इन्होंने क्या किया, जनार्दन भानु के ही ऊपर जो है उल्टा आरोप लगा दिया कि इसे यानी कि अहमदुल्ला खां को आपको गिरफ्तार करना था, गोली तुमने क्यों मारी, और उन्हीं के हत्या के आरोप में इनको जो है फांसी की सजा हो गई। तो देखो जैसा कर्म वैसा ही फल इनको मिल गया, अंततो गत्वा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 का सही आंसर हो जाएगा आरकाट, ये आरकाट के थे। और अगर मैं हैदराबाद की थोड़ी बहुत आप लोगों से बातचीत कर लूं तो देखिए सोनाजी पंत ने जो है यहाँ का नेतृत्व किया था। देखिए एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली एग्जाम में पूछा ही जाता है कि किस क्षेत्र का नेतृत्व किसने किया था। और वेलोर की क्रांति की अगर मैं बात करूं तो ये 1806 में हुआ था और इसे जो है प्रथम जो है सैनिक विद्रोह कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, किस ब्रिटिश नेता ने सर्वप्रथम 27 जुलाई 1857 को ब्रिटिश संसद में 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा, ना कि सिपाही विद्रोह। देखिए दोनों में फर्क है, राष्ट्रीय विद्रोह यानी कि हर नागरिक यहाँ पे जो है शामिल है, और सिपाही विद्रोह की बात करें तो सिर्फ सिपाहियों का विद्रोह है। तो देखिए ब्रिटिश संसद में बोलना बड़ी बात होती है, तो ऐसा देखिए बेंजामिन जो डिजरेली था इन्होंने जो है ये बातें रखी थी, किसने, बेंजामिन डिजरेली ने। और ये जो पाल्मस्टन है उस समय के ब्रिटेन के पीएम थे, कौन थे, पाल्मस्टन। यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई। और आगे देखिए उस समय का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग था, उस समय का भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। और देखिए 1857 के क्रांति के बाद जो है जो गवर्नर जनरल होता था उसका नाम वायसराय कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1857 की क्रांति का कौन सा नायक बख्त खान के नाम से जो है जाना गया, बख्त खान के नाम से जाना गया। तो देखिए सबसे पहले विरजिस कादिर के बारे में जान लेते हैं, ये 4 साल के राजा थे। एक्चुअली हुआ क्या ना कि लखनऊ में जब इनके पिताजी नहीं रहे तो उनके जगह पे विरजिस कादिर को जो है वहां का वारिस घोषित कर दिया गया, लेकिन अंग्रेज तो मानने वाले नहीं थे। और इनकी जो माता जी थी उनका नाम का भी जिक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, हजरत महल, याद रखिएगा हजरत महल जो है, हजरत महल। और ये जो है यहाँ पे इन्होंने क्या किया, विरजिस कादिर को जो है यहाँ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इनका असली नाम जो था मोहम्मद खानम था, याद रखिएगा मोहम्मद खानम। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए बख्त खान के नाम से कौन जाना गया ये भी इंपॉर्टेंट है, तो देखिए खान बहादुर को जो है बख्त खान के नाम से जाना गया। और इनकी जो माता थी अभी मैं आपको बता रहा था, इनकी माता को जो है आखिरी में जो है जाकर कहां बसना पड़ गया, काठमांडू में जाकर इन्होंने शरण ली थी। जो नाना जी साहब हैं वो भी जो है काठमांडू में जाकर उन्होंने भी शरण ली थी। अब बात करते हैं बहादुर शाह जफर की, तो देखिए बहादुर शाह जफर ने जो है दिल्ली का नेतृत्व किया था। पूछा ये जा सकता है अंग्रेजों के खिलाफ दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था, तो देखिए ये जो नेतृत्व है बहादुर शाह जफर ने ये नेतृत्व दिल्ली का किया था। और विरजिस कादिर के बारे में मैंने आपको बात बता दी, यहां तक सारी बातें हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, अगला सवाल देखिए क्या है, झांसी विद्रोह का प्रारंभ में नेतृत्व किसने किया था, झांसी विद्रोह का नेतृत्व सबसे पहले, देखो ये क्वेश्चन जो है ना प्रारंभ है, यहाँ पे 3 व्यक्तियों ने जो है यहाँ पे झांसी का नेतृत्व किया था। सबसे पहले किसने किया था, काली खां ने किया था, उसके बाद लक्ष्मण ने किया था, उसके बाद आखिरी में रानी लक्ष्मीबाई को मोर्चा संभालना पड़ा था।
तो याद रखिएगा, अगर सबसे पहले प्रारंभ में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आंसर काले खा लगाना है। अब देखिए कुछ और जानकारी आपको मैं बता देता हूं, जैसे कि कई कई एग्जाम में जो है पूछा भी जा चुका है, रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? तो देखिए इनके पति का नाम क्या है, गंगाधर राव, गंगाधर राव। एक और फन फैक्ट मैं आपको बता देता हूं, जब गंगाधर राव से रानी लक्ष्मीबाई की शादी हुई थी तो इनका उम्र 40 वर्ष था और रानी लक्ष्मीबाई की उम्र मात्र 14 साल थी। खैर इन लोगों का एक बच्चा भी हुआ और वो बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा बहुत कम समय में, और गंगाधर राव जो है उस बात से जो है बहुत विचलित हो गए थे, याद रखिएगा। एक और सवाल जो है एग्जाम में पूछा जाता है रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कि इनका बचपन का नाम मनु था, यह भी आपको याद रखना है। एक और फन फैक्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, दामोदर राव को जो है दत्तक पुत्र घोषित किया गया था इनके द्वारा, इन्होंने जो है दत्तक पुत्र रखा था दामोदर राव को, जिसे अंग्रेजों ने उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया था और इसी वजह से जो है अंग्रेज इनसे लड़ाई करने के लिए आ गए थे, याद रख लेना है। तो झांसी विद्रोह का नेतृत्व प्रारंभ में किसने किया, सबसे पहले काले खां ने, उसके बाद लक्ष्मण देव राय ने, फिर रानी लक्ष्मीबाई ने। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे? पहला क्वेश्चन में ही मैंने आपको ये डिक्लेयर कर दिया था, इसके जो सरकारी इतिहासकार थे मजुमदार साहब भी थे और एस एन सेन भी थे, लेकिन मजुमदार साहब कुछ दिनों के काम करने के बाद इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस एन सेन इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। और इन्होंने जो है एक बुक भी लिखी है, मैंने आपको बता दिया, फिर से रिविजन करके बता देता हूँ, 1857 जो रिवॉल्ट है इन्होंने जो है वो बुक लिखी थी। एग्जाम में देखिए क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है घुमा फिरा कर, तो इन चीज़ों को आपको याद रखिएगा। और एस एन सेन ने ही कहा था कि जो 1857 की क्रांति हुई है वो राष्ट्रीयता के अभाव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। देखिए टॉपिक को चीज़ों को समझना जरूरी है। आरसी मजुमदार ने जो 1857 की क्रांति है इसे ना प्रथम कहा था, ना ही इसे राष्ट्रीय कहा था, और ना ही इसे भारत का जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, लेकिन एस एन सेन ने इसे जो है स्वतंत्रता संग्राम कहा, लेकिन क्या कहा कि राष्ट्रीयता नहीं थी इसमें। और अगर मैं बीडी सावरकर की बात करूं तो उन्होंने कहा था कि ये भारत का पहला राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है। क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं इन स्टेटमेंट से। 1857 की क्रांति के बाद भारतीय सेना के नवगठन से संबंधित आयोग का नाम क्या था? तो देखिए ना इंटर आयोग था, ना सील, ना नील। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पील आयोग। अब देखिए पील आयोग के बारे में कुछ जानकारियां जो क्वेश्चन एडिशनल बनते हैं। पहले देखिए 5:1 में जो है सैनिकों की संख्या होती थी, 5:1 की अगर मैं बात करूं तो 5 जो है भारतीय सैनिक हुआ करते थे। कौन सैनिक हुआ करते थे, भारतीय। और 1 सैनिक की अगर मैं बात करूं तो 1 सैनिक यहां पे कौन होता था, ब्रिटिशर्स हुआ करता था। लेकिन पील आयोग के कमेटी के बाद इसको चेंज कर दिया गया और 2:1 के रेशियो में जो है इसे बना दिया गया, यानी कि अब जो है भारतीय सैनिक 2 रहेंगे और उसमें 1 ब्रिटिशर रहेगा। यहां तक सारी बातें हो गई। अब आगे देखिए कुछ चीजों को और हम लोग देख लेंगे, ये बातें आपको समझ में आ गई। और एक आयोग का नाम और है जो इससे संबंधित है, वो नाम आयोग का क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए उस आयोग का नाम आपको दिखेगा कौन, उस आयोग का नाम देखिए यहां पे मैं आपको बता देता हूं, रॉयल आयोग। अब देखिए इससे क्या खेल है, ये जो है एग्जाम में यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा। रॉयल आयोग की बात करें तो इन्होंने जो है सैनिकों को ट्रेनिंग दी 1857 की क्रांति के बाद, रॉयल आयोग ने जो है सैनिकों को ट्रेनिंग दिया कि इस तरह का जो है विद्रोह वगैरह ना हो पाए। इन चीजों को आपको जो है ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को और जो है डीप में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए एक और बात है, रॉयल आयोग के बारे में थोड़ी बहुत और जानकारी मैं लिख देता हूं, अभी मुझे याद आ गया। रॉयल आयोग ने जो है सिफारिश करी, इसके बाद जो है सेना को 2 भागों में बांट दिया गया। एक में जो है सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स रहा करते थे, ठीक है, और दूसरे सेना में जो है ब्रिटिशर्स और इंडियन दोनों आपको यहां पे मिलेंगे। तो एक में जो है ब्रिटिशर्स अलग से रहा करते थे और एक में ब्रिटिशर्स और इंडियन दोनों रहा करते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। 1857 की क्रांति में जनरल हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस और जनरल नील की मृत्यु कहां पे हुई थी? तो इन सभी की मृत्यु देखिए अवध में हुई थी। कहां हुई थी, अवध में। क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा देखिए किस तरह से। झांसी का नेतृत्व तो देखिए काले खां ने किया था शुरू में, बाद में लक्ष्मण देव राव ने, और आखिरी में रानी लक्ष्मीबाई ने यहां पे नेतृत्व किया था। लेकिन बाद में देखिए ह्यूरोज ने जो है, ह्यूरोज जो अंग्रेज था वहां पे झांसी पे उन्होंने फिर से कब्जा कर लिया, और ह्यूरोज ने ही जो है रानी लक्ष्मीबाई को कहा था कि वो एकमात्र झांसी में जो है एक मर्द है जिसने जो है अंग्रेजों का सामना किया था। तो ये भी स्टेटमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं जगदीशपुर की। तो देखिए जगदीशपुर से जो नेतृत्व करता थे उनका नाम है वीर कुंवर सिंह ने जो है यहां पे नेतृत्व जो है किया था विद्रोह का। लेकिन यहां पे देखिए
आईकुट जो है इन्होंने जो है फिर से जो है जगदीशपुर पे जो है कब्जा कर लिया था। अगर अवध की बात करें तो देखिए अवध पर कब्जा किसने किया, अवध पे कब्जा जो है कैंपवेल ने किया था, इसको भी याद रखना है। विद्रोह के बाद जो है कैंपवेल ने यहाँ पे जो है सत्ता संभाल ली थी। अब आखिरी में एक बच गया दिल्ली, तो देखिये दिल्ली पे हरसन, और दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था आपको पता ही है, दिल्ली का नेतृत्व किया गया था बहादुर शाह जफर के द्वारा। ठीक है, सारी बातें यहां तक क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। एकमात्र अंग्रेज अधिकारी जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया, देखिए वो विभीषण निकल गया, जैसे अगर मैं बात करूं तो वो विभीषण निकल गया, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए उसका नाम क्या था, एकमात्र अंग्रेज अधिकारी जो था जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी, उसका नाम है कैप्टन गार्डन। गार्डन गार्डन हो गया होगा आपका दिल ये सुनकर, तो ऐसे याद रख लेना कैप्टन गार्डन इनका नाम था। और इनके दोस्त का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए, या फिर मंगल पांडे का दोस्त का नाम कौन था वो अंग्रेज, तो आपको याद रखना है मंगल पांडे के ये दोस्त भी थे। एक और क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश के खिलाफ ही कौन सा ब्रिटिशर्स हो गया था, तो कैप्टन गार्डन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। 1857 की क्रांति के बाद पील आयोग ने भारतीय यूरोपीय सैनिकों का अनुपात कितना कर दिया गया, मैंने आपको बताया था देखिए डिटेल में कि पहले कितना हुआ करता था 5:1, लेकिन बाद में इसे घटाकर क्या कर दिया गया 2:1, यानी कि 5 इंडियन 1 ब्रिटिशर्स, फिर जो है 2 इंडियन और 1 ब्रिटिशर्स को शामिल कर दिया गया पील आयोग के बाद। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, सारी बातें क्लियर हो गई होगी। लेक्सी लेक, देखो सबसे पहले लेक्सी लेक हुआ क्या है, ये जो है ये है टर्म क्या, ये पहले समझ लो। देखिए लेक्सी लेक का मतलब होता था कि अगर आपने धर्म परिवर्तन किया, अपना जो है कन्वर्जन किया किसी और धर्म में, तो आपके जो पिताजी का संपत्ति है वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन देखो अंग्रेज कितने चालाक थे, अगर आप हिंदू से मुस्लिम बनते हो, हिंदू से जो है मुस्लिम बन जाते हो, तो आपका जो है संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं होगा। वाइस वर्सा, अगर आप मुस्लिम हो तो हिंदू बन जाते हो, तो आपको जो है संपत्ति नहीं मिलेगी। अगर आप क्रिश्चियन हो, सिख हो, किसी और धर्म में कन्वर्ट करते हो, तो आपको आपके जो पूर्वज की जो संपत्ति है, जमीन जगह पैसा है, वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख या ईसाई, ईसाई तो ईसाई में ही रहेगा ना, तो ये सारे लोग अगर क्रिश्चियनिटी में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसका जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि कुल जमा बात ये हो गई, आपने धर्म परिवर्तन कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी संपत्ति बनी रहेगी। ये कारतूस वाला जो खेल हुआ था आपको पता ही होना चाहिए, ये जो विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति, वो कारतूस की वजह से हुआ था। कहने का मतलब ऐसे आप समझ सकते हो कि अगर आप क्रिश्चियन हो और कारतूस पकड़कर आप बैठे हुए हो, आपका धर्म में कोई जो है बदलाव नहीं होगा। लेकिन उस समय जो है 1857 को आप समझ सकते हो कितनी पुरानी जो है समय था, उस समय लोग जो है धर्म को बहुत ज्यादा जो है भाव दे रहे थे। फिलहाल इसका जो सही जवाब हो जाएगा, लेक्सी आयोग जो है कब पारित हुआ था, तो 1850 में पारित हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य भारत को ईसाई राष्ट्र बनाना है, यह कथन किसका था, देखो कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भारत को जो है ईसाई राष्ट्र बनाने का जो कथन है वो एडवर्ड का था, मेजर एडवर्ड ने जो कहा कि हम लोग जो है हर भारतीय को क्या बना देंगे, क्रिश्चियन बना देंगे। लेकिन जो ये चार्ल्स नेपियर था, ये बहुत ही चुट्टा आदमी था। देखो मैं आपको बता रहा हूं ये क्यों, क्योंकि ये भारतीय सैनिक को जो है क्या करता था, भाड़े का सैनिक बताता था। ये जो है ये जो चार्ल्स नेपियर है ये क्या करता था, ये जो है भारतीय सैनिकों को भाड़े का सैनिक बुलाता था, और भारतीय सैनिक को ये क्या करता था, भगोड़ा घोषित कर देता था, और जो है कमजोर कायर भी ये बुलाता था। तो ये अंग्रेजों की अपनी अपनी बातें थी, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा मेजर एडवर्ड, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। दिसंबर 1856 में लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर राइफल इनफील्ड का प्रयोग करने का निश्चय कहां नहीं लिया गया, देखो क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट में लाया जाता है, नहीं लिया गया तो उसका जवाब हो जाएगा बैरकपुर में, और इसी के वजह से तो क्रांति हो गई थी। तो बैरकपुर में जो है लोगों ने मना कर दिया कि ये कारतूस नहीं छिपाएंगे, और जो है कारतूस को अपने मुंह में नहीं लगाएंगे, कारतूस का प्रयोग बंद करने की बात की गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। 1857 की क्रांति का जो है गोरखपुर से नेतृत्व किसने किया था, देखिए जी से गोरखपुर, जी से गजाधर सिंह, इसे जो है आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। गजाधर सिंह ने जो है गोरखपुर का नेतृत्व किया था। अब आपके मन में आएगा कि कदम सिंह ने कहां किया था, तो देखिए इन्होंने जो है मेरठ का जो है नेतृत्व किया था। अगर मैं देवी सिंह की बात करूं तो देवी सिंह ने जो है मथुरा का जो है नेतृत्व किया था, मेरठ का कदम सिंह ने, और सोनाजी पंत, मैंने आपको वेलोर वाला क्रांति बताया था, तो सोनाजी पंत ने जो है सोनाजी पंत ने जो है, इसके बारे में आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। एक्चुअली वेलोर का जो क्रांति हुआ था बलवंत राय फड़के ने वहां पर नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 1857 की क्रांति में रानी अवधबाई ने किस क्षेत्र का जो है नेतृत्व किया था, तो देखिए अवंतीबाई ने मणिपुर का जो है नेतृत्व किया था। अभी मणिपुर हाल में जो है
चर्चा में भी है, तो ये सवाल वहां से पूछा जा सकता है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहां से आप देख पाओगे, एक मिनट, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, सॉरी वेट ए मिनट, यहां से जो है इसका आंसर हो जाएगा रामगढ़। अवंती बाई ने जो है रामगढ़ का जो है नेतृत्व किया था। अब मैं आपको कुछ और चीजें आपको बता देता हूं। देखो मणिपुर से जो नेतृत्व करता थे उनका नाम है नरेंद्र जीत। मैं आपको कनेक्ट करके बताना चाहता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में जो है मणिपुर में घटनाएं हुई थी, तो आप वहां से इसे रिलेट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। नरेंद्र जीत सिंह ने जो है यहाँ पे नेतृत्व किया था। और शाहजहां फिरोज शाहबाद की बात की करें तो यहाँ पे देखिए मंदसौर ने यहाँ पे जो है नेतृत्व किया था। और हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा से तुलाराम ने जो है यहाँ पे नेतृत्व किया था। इसे आप पेन पेपर पे प्लीज नोट डाउन करते जाइएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है, मौलवी अहमदुल्ला खान ने 1857 की क्रांति को किसे धोखे, देखो एक्चुअली सवाल क्या पूछा गया है, मौलवी अहमदुल्ला खान को किसने धोखे से मार दिया। तो मैंने आपको पढ़ा दिया था कि जो राजा जगन्नाथ है इसी का नाम जो है, कहीं कहीं आपको जगन्नाथ भानु भी दिखेगा, इसी यही वो इंसान है जिसने जो है इनको धोखे से मार दिया। इनको बुलाया कि मैं सहयोग करूंगा, लेकिन इसने जो है उनको जो है गोली मार दी और बाद में जो है अंग्रेजों ने इसको खुद से जो है फांसी पे चढ़ा दिया। अब देखिए राजा मानसिंह के बारे में बात करते हैं, तो ये भी एक विभीषण था, ये सिंधिया के राजा हुआ करते थे। और तात्या टोपे को इन्होंने जो है गिरफ्तार करवाया था। देखिए तात्या टोपे के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए इनको जो है आखिरी शहीद कहा जाता है 1857 की क्रांति का। पहला शहीद तो मंगल पांडे है। यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विजय कुदरत, कुंजी माया और मिला साची कौन से 1857 की क्रांति के किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो देखिए इन लोगों ने जो है केरला का जो है रिप्रेजेंटेशन किया था। अगर मैं कोल्हापुर की बात करूं, कोल्हापुर की ओर से जो है अन्नाजी फंडविस ने जो है इसको नेतृत्व किया था। मद्रास की अगर मैं बात करूं तो कृष्णा राज और जो अर्गागिरी और गौस हैं वहां पे इन्होंने जो है मद्रास का जो है गौर ने जो है इनको इनके द्वारा जो है नेतृत्व किया गया था। ठीक है यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई। सुल्तानपुर की अगर मैं बात करूं तो हसन खान ने जो है यहां पे नेतृत्व किया था। ठीक है आखिरी क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आखिरी क्वेश्चन देखो ये है, वेल्लोर क्रांति 1806 में हुई थी और याद रखिएगा ये भारत का पहला सैनिक विद्रोह था। पहला सैनिक विद्रोह वेल्लोर की क्रांति में बलवंत राव फड़के के द्वारा की गई थी। क्यों की गई थी, देखिए एक अंग्रेज का जो अधिकारी था वो आया और गार्ड ऑफ ऑनर देते समय, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था उसे, तो उसे जो है यहाँ के सैनिकों का ड्रेसिंग सेंस खराब लगा और बहुत सारे सैनिकों की जो है दाढ़ियाँ और जो धर्म के चिन्ह थे उनसे छीन लिए गए थे, हटाने की बात की गई थी, जिसके कारण ये क्रांति हुई थी। धर्म को जो है लोगों ने जो है बहुत ही तिरस्कार के रूप से रखा, जिसके कारण ये सारे विद्रोह को देखने को मिलता है। तो देखिए मैंने 40 क्वेश्चन जो है करा दिए हैं, एक और आखिरी पार्ट अगर आपको चाहिए होगा, 20 क्वेश्चन और मैं आप लोगों के लिए ले आऊंगा, तो आप नीचे कमेंट करके पार्ट थर्ड जरूर लिखना, तो इसके ऊपर डेडिकेटेड से वीडियो आ जाएगी पार्ट थर्ड के ऊपर से, तो नीचे पार्ट थर्ड आप लोग लिख दीजिएगा। वीडियो को आपने यहां तक देखा तो अच्छी बात है, आप इसका पार्ट टू जरूर देख लें, जिसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया गया है। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।